नमस्कार प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बताया था, नौ परिवहन या फिर जल परिवहन वाटर ट्रांसपोर्ट, और वाटर ट्रांसपोर्ट का टॉपिक आज हमारा सेकंड रहेगा। छोटे छोटे करके मैं टॉपिक डाल रहा हूँ ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो, आप बोर ना हो, ठीक है। इस तरीके से अब देखो, आज का हमारा जो टॉपिक है भारत में जल परिवहन से लगता है ये भी, और ये सेकंड पार्ट अपलोड किया है मैंने। एक अधिनियम आया दोस्तों, एक्ट आया था एक, जिसका नाम था राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम जो है ये 2016 में आया था दोस्तों, ठीक है। इसको हम बोलते हैं नेशनल वाटरवे एक्ट 2016, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या होता है दोस्तों, ये देख लो एक बार, ठीक है। इसमें होता देश में अंतरदेशीय जलमार्ग, अंतरदेशीय बोलते हैं देश के अंदर, ठीक है, देश के अंदर जलमार्ग को बढ़ावा देने के लिए तथा इनके लिए विस्तृत एक नेटवर्क, एक बहुत बड़ा जाल बिछाने के लिए, ठीक है, नेटवर्क तैयार करने के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 लॉन्च किया गया दोस्तों, जिसको बोलते हैं नेशनल वाटरवे एक्ट 2016 को संसद के दोनों सदनों में पास किया गया। और जब संसद के दोनों सदनों में पास हुआ तब इसको लागू किया गया 26 मार्च 2016 को दोस्तों, ठीक है। इसके बाद अब पारित किया गया इस अधिनियम के अंतर्गत, पहले कितने थे हमारे पास, 5 राष्ट्रीय जलमार्ग थे, इसके बाद कितने हुए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं, पहले हमारे पास ओनली 5 थे, उसके बाद 106 नए जलमार्गों को नेशनल जलमार्ग का दर्जा प्रदान करेगा, राष्ट्रीय जलमार्ग बना दिया गया। कितने को, 106 को, पहले हमारे पास 5 थे दोस्तों, ठीक है, 5 थे, मैंने 5 आपको बताया था, ठीक है, नेशनल वाटरवे 5, लेकिन अब इसके जो है राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 इसके अंदर हमने 106 नए राष्ट्रीय जलमार्ग ऐड कर दिए। अब हमारे पास में कितने हुए दोस्तों, 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हो चुके हैं इंडिया के पास में। इनका विकास, इनका डेवलपमेंट कौन करता है, इनको डेवलप कौन करता है, बनाता कौन है, इन पर रख रखाव कौन करता है, तो इनका करता है इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते हैं अवाई, ध्यान रखना ये बात, ठीक। उसके बाद मैं बताता हूँ कुछ भारत में नहरें भी है, जिन नहरों के माध्यम से एक्सपोर्ट इंपोर्ट और कुछ नहरों के माध्यम से नौ परिवहन नाव द्वारा यात्रा की जाती है, ठीक है। जैसे बकिंगम नहर आंध्र प्रदेश में, कुडन कुडप्पा नहर आंध्र प्रदेश में, सोन नहर, ठीक है, सोन नदी बिहार में बहती है वैसे, ठीक है, सोन नहर, उड़ीसा नहर, उड़ीसा मोदीपुर नहर, ठीक है, सॉरी मैदनीपुर नहर, मैदनीपुर, दामोदर नहर, दामोदर नदी से निकली हुई है, ठीक है, और पश्चिम तटीय नहर, पश्चिमी पूर्वी तट, पश्चिमी तट, पश्चिमी तटीय नहर। अब एक बात ध्यान रखनी है, मैंने इनसे पहले मेरा एक टॉपिक डाला हुआ है, मैंने भारत की सभी नहरें और भारत के सभी बड़े बांध और भारत की सारी बहुउद्देश्यीय परियोजना, ये सारे में अलग अलग वीडियो डाली हुई दोस्तों, भारत की सभी नहरों से संबंधित में एक वीडियो डाली थी, और उसी वीडियो में आपको इंडिया की ऑल इंडिया कैनल्स, सभी भारतीय नहरें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और बहुत ही अच्छा पढ़ाया हुआ है, हर स्टेट से, हर स्टेट के सामने लिखा हुआ है किस स्टेट में कितनी नहर है, ठीक, ये ध्यान रखना, और है कौन कौन सी और कब बनाई गई थी, ये ध्यान रखना। उसके बाद नोट में एक बात याद रखने वाली है, इसको ध्यान रखना, अंतरदेशीय व्यापार के लिए, भारत के अंदर व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत और बांग्लादेश, हालांकि बांग्लादेश दूसरा देश है, भारत और बांग्लादेश के बीच एक संधि हुई है दोस्तों, एक ज्वाइनिंग हुई है, ठीक है। इसी के तहत किसी एक देश के दरमियान निर्धारित किए हुए जलमार्ग उनके माध्यम से दूसरे देश में जा सकते हैं दोस्तों, ठीक। उसके बाद मैं बताता हूँ, ये 4 बंदरगाह है, ये इंडिया में है, इनका ध्यान रखना, ये भारत से बांग्लादेश के बीच में जो जलमार्ग है उनको निर्धारित करते हैं। नंबर 1 है कोलकाता से पांडु और पांडु कोलकाता, ठीक है, ये। उसके बाद दूसरा है कोलकाता करीमगंज कोलकाता, ठीक, इस तरीके से। तीसरा है राजशाही दुलियान और राजशाही, ठीक है भाई, राजशाही दुलियान और राजशाही। उसके बाद चौथा है पांडु करीमगंज पांडु। अब इनका सर कंफ्यूजन होता है, ऐसे कैसे याद करें, देखो भाई पहला लास्ट का सेम है, कोलकाता 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 कोलकाता, राजशाही राजशाही, पांडु पांडु, बीच वाले याद करने हैं बस, कोलकाता पांडु, कोलकाता करीमगंज, राजशाही दुलियान और पांडु करीमगंज, ये तो है हमारे भारत में, ठीक है। उसके बाद अब बात करेंगे भारत से जब हम बांग्लादेश में एंट्री करें, बांग्लादेश में भी 4 बंदरगाह है जिनके नाम इस प्रकार है दोस्तों। एक का नाम इधर हमारे इंडिया में हल्दिया है, हल्दिया जो राजमार्ग है, दूसरा कोलकाता, तीसरा पांडु और चौथा करीमगंज, ये ध्यान रखना। जैसे ही बांग्लादेश में हम एंट्री करेंगे, बांग्लादेश में वे 4 बंदरगाह उनको जानेंगे नारायणगंज के नाम से, नारायणगंज और खुलना और मेघला और सिराजगंज, ठीक है, ये चारों जो बंदरगाह है ये पोर्ट जो है ये बांग्लादेश में है, ठीक है। उसके बाद अब मैं कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी, ये आपके एग्जाम में इनमें से जरूर मिलेगा दोस्तों, ठीक है।
ये ध्यान रखना, राष्ट्रीय अंतरदेशीय नौ परिवहन संस्थान, राष्ट्रीय अंतरदेशीय नौ परिवहन संस्थान कहां पे है, पटना में है, और पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है, और पाटलिपुत्र किसने बसाया था, उदयन ने बसाया था दोस्तों, ठीक है। और पटना भारत का एक ऐसी राजधानी है इंडिया की, ठीक है, पटना एक भारतीय राज्य बिहार की राजधानी है, जिसमें से पटना से होकर भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा रिवर होकर गुजरती है बिल्कुल बीचों बीच से, ठीक है। और सोन नदी जो है वो वहीं पर विलय होती है पटना में, गंगा नदी में। उसके बाद केंद्रीय जल क्रीडा संस्थान, क्रीडा बोलते हैं खेल को दोस्तों, खेल, ठीक है, गेम। केंद्रीय जल क्रीडा संस्थान ये गोवा में है, और गोवा कैपिटल पणजी है दोस्तों, ठीक। उसके बाद राष्ट्रीय जल परिवहन निगम कोलकाता में है, और कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। और कोलकाता नगर बसाया किसने था, तो कोलकाता जाब चारनाक ने बसाया था, ठीक है, इसके वास्तुकार कौन थे, जाब चारनाक। उसके बाद में अंतरदेशीय जलमार्ग निगम नोएडा में है दोस्तों, अंतरदेशीय जलमार्ग निगम नोएडा, नोएडा की फुल फॉर्म यदि बात करें न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद भारत का प्रथम विद्युत रेल इंजन, बिजली का इंजन कौन सा था, जिसका नाम था डेक्कन क्वीन, भारत का पहला रेलवे विद्युत इंजन डेक्कन क्वीन, और डेक्कन क्वीन को बनाया गया था 1925 में, ठीक, ये ध्यान रखना। और भाप का इंजन फेरी क्वीन। उसके बाद भारतीय रेल के भारतीय रेल की डेली 14,000 गाड़ियां चलती है, ये ध्यान रखना, इंडियन रेलवे जो है वो 14,000 गाड़ियां डेली चलाता है। उसके बाद में भारतीय रेल के 7,349 रेलवे स्टेशन है, और ये रेलवे स्टेशन इनकी संख्या कितनी है दोस्तों, 7,349 रेलवे स्टेशनों की संख्या 31 मार्च 2017 तक निर्धारित है, उसके बाद जो नए बने वो आगे अपडेटिंग में डालूंगा मैं, ठीक है। विवेक एक्सप्रेस भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है, ठीक है दोस्तों, जो आसाम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है, और ये 4286 किलोमीटर की दूरी पार करती है, जिसको पार करने में इसको 82 घंटे 30 मिनट का समय लगता है, ठीक है। और यदि बात करें इसका परिचालन, इसको चलाया गया था 19 नवंबर 2011 में, ये ध्यान रखना, विवेक एक्सप्रेस का परिचालन कब हुआ, 19 नवंबर 2011। उसके बाद भोपाल एक्सप्रेस, भोपाल जो है दोस्तों, भोपाल मध्य प्रदेश एमपी की राजधानी है भोपाल, और भोपाल एक्सप्रेस देश की प्रथम रेलगाड़ी है भोपाल के, देखो ध्यान रखो भोपाल किसकी राजधानी है, एमपी की, एमपी के दो तीन नाम है, एमपी मध्य प्रदेश, हरद प्रदेश, सोयाबीन स्टेट, टाइगर प्रदेश, ये सारे मध्य प्रदेश के नाम है, ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। और भोपाल एक्सप्रेस भोपाल और नई दिल्ली के बीच में चलती है दोस्तों, ठीक है। भोपाल एक्सप्रेस देश की प्रथम आईएसओ निर्धारित, आईएसओ का एक प्रमाण पत्र होता है, सबसे क्लीन साफ सफाई वाली, ठीक है, आईएसओ का प्रमाण पत्र मिला था दोस्तों, आईएसओ 9001, ये ध्यान रखना, आईएसओ 9001 प्रमाण पत्र इसको मिला था। उसके बाद छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जो कि मुंबई का जो रेलवे स्टेशन है मुंबई का, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जिसका नाम है, उसको विश्व धरोहर यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में क्रमबद्ध किया हुआ दोस्तों, यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में वो रख लिया है। और यदि इसकी मैं थोड़ी सी बात करूं, यहां से डेली छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से डेली 30 लाख लोग आवागमन करते आते जाते हैं, और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर 15 रेलवे स्टेशन है, ठीक है यार, 15 प्लेटफार्म है इस पर। उसके बाद विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर सबसे बड़ी रेलवे लाइन, ठीक है, या विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर बड़ी लाइन का रेलवे स्टेशन, बड़ी लाइन का मतलब होता है ब्रांड गेज, ब्रांड गेज की जो चौड़ाई होती है दोस्तों वो होती है 1.676 मीटर। और रेलवे लाइन तीन तरह की होती है, ब्रांड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। मीटर गेज की होती है 1 मीटर, और नैरो गेज की होती है दोस्तों 0.676 मीटर, ठीक है, ये ध्यान रखना, तीनों गेज हो गए। इसका जो बड़ी गेज की लाइन का सबसे ऊंचाई पर जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम है दोस्तों सिसलीगुंडा, सिसलीगुंडा रेलवे स्टेशन भारत में है, और ये समुद्र स्थल, ठीक है, यह समुद्र से ऊंचाई इसकी 3268 फीट है, एफ का मतलब फीट। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, यदि क्लास आपको समझ में आ रही है बढ़िया, तो आप लाइक करें, कमेंट्स करें, और शेयर करना ना भूले। सी टेट छोड़ना दोस्तों, सी टेट का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, जो एनवायरमेंट और ज्योग्राफी से बचे, ठीक है, हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत गजब टीचर लेकर आऊंगा आपके लिए, ठीक है। बाकी शेयर करते रहिए, और आपका जो प्यार है वो हमें परोसते रहिए, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।